दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के तीसरे समन को भी अवैध बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी शुरू से आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार के दबाव में ईडी के अधिकारी केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहते हैं। बीती रात से दिल्ली सरकार में मंत्री और आपके सीनियर नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर यह कहते हुए माहौल गर्म कर दिया है कि सुबह किसी भी वक्त ईडी केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है। तो वही बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब हंगामा भी पर पा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार।